शांति बनाए रखे, बैठ जाइए। सदन, अरे बैठो ना। सदन 2:45 तक के लिए स्थगित की जाती है। बैठक है। नीतीश जी के बीजेपी के कोई विधायक है, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों से जो है वोटिंग राइट ले लो। सब आप मतलब हद है, अद्भुत है। इस देश की आजादी में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई हो, सब लोगों ने कुर्बानी दी है। सब लोगों ने बलिदान दिया। हाँ, लेकिन आरएसएस वालों ने नहीं दिया। ये तिरंगा की बात करते हैं, ये तिरंगा की बात करते हैं। 2001 के बाद से झंडा फहराया गया नागपुर में। बात करते हैं तिरंगे की, जय हिंद की। क्या बकवास बातें महोदय, ऐसा एक बार लोग भूल गए। लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि यही बिहार की धरती है जहां आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था। और महोदय, अभी लालू जी के सिपाही लोग खड़े हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति जो इस सदन में मौजूद नहीं है उसकी चर्चा आप गरिमापूर्ण पद पर बैठे हैं और प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा। कुछ गलत कहा ही नहीं। और हम ये बताना चाहते हैं कि किसी के माइक के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका अधिकार छीन सके। किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन ताजुब होता है, धर्मनिरपेक्षता का चोला पहने हुए सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और मुख्यमंत्री जी बस बैठे हुए ताली ठिपठिपा रहे, चुप बैठे। मुख्यमंत्री जी, आप हमको कहे थे ना आरएसएस वाला खतरनाक है। आज ये खुलेआम ही लोग कर रहे हैं आपके रहते हुए। आप तो बात की बात करते थे। आप ये प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा क्या किसी भी संस्था का नाम? अध्यक्ष महोदय, इसमें क्या गलत बात है? अध्यक्ष महोदय, एक अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ले चुके हैं। ठीक है, बढ़िया। सभी शांति बनाए रखे। बैठिए ना। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की टिप्पणी गलत है। इस तरह की टिप्पणी सरासर गलत है। ऐसे संगठन पर टिप्पणी करना सरासर गलत है। शांति बनाए रखे, बैठ जाइए। सदन, अरे बैठो ना। सदन 2:45 तक के लिए स्थगित की जाती है। बैठो ना।